ग्लोबल आई टी आई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है मैं आप लोगों को फिटर थ्योरी का, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आई टी आई सेकेंड ईयर, ठीक है, आई टी आई सेकेंड ईयर वालों को फिटर थ्योरी का पहला चैप्टर कराऊंगा। इसके पहले मैंने आपको सिलेबस वगैरह बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला चैप्टर आपका स्क्रू था, तो आज मैं आपको स्क्रू करवाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है अब इस बार से ऑनलाइन होने वाला है, तो आप अभी से पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब हम ऐसी ही वीडियो डेली लेके आएंगे और आपके सारे चैप्टर कवर कराने वाले हैं। चैप्टर वन से स्टार्ट करेंगे और जितने भी आपके सिलेबस में जैसा कि लिखा हुआ है चैप्टर वन स्क्रू, ठीक है, आज पहली हमारी क्लास है, फिर ऐसे स्क्रू की फिर दूसरी क्लास होगी, तो यहाँ क्लास टू हो जाएगा, तो हम सारे चैप्टर आपके क्रम वाइज कराएंगे, ठीक है। तो अभी से आप जुड़ जाइए हमसे और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लीजिए। तो चैप्टर वन है हमारा स्क्रू, तो आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो स्क्रू का होगा, तो स्क्रू को हम स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे जो थ्योरी वगैरह है मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से चाहे तो नोट कर सकते हैं, या फिर आपके बुक्स वगैरह है तो वहाँ से आप लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ सारे टॉपिक आपको बस समझाऊंगा कि नहीं क्या चीज़ है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि पहला ही हमारा चैप्टर क्या था, स्क्रू था, तो पहले हम जानेंगे कि स्क्रू का यूज़ क्यों कर रहे हैं या फिर स्क्रू क्या चीज़ है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं स्क्रू किस लिए हमारा यूज होता है, किसी भी पार्ट्स को ज्वाइंट करने के लिए, कोई भी आपके मशीन के पार्ट्स हैं या दो पार्ट्स हैं उनको आपको ज्वाइंट करना है, उनको जोड़ना है, तो हम किसका यूज करेंगे, स्क्रू का। तो वैसे तो हम नट बोल्ट का भी कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है ज्वाइंट की। तो स्क्रू से पहले हम थोड़ा सा चीज़ देखेंगे कि ज्वाइंट क्या है, ज्वाइंट, ठीक है। ज्वाइंट हमारा दो टाइप का होता है, एक परमानेंट, परमानेंट और एक टेम्प्रोरी, टेम्प्रोरी, ठीक है। तो परमानेंट ज्वाइंट और टेम्प्रोरी ज्वाइंट, परमानेंट का मतलब होता है अस्थाई और टेम्प्रोरी का मतलब अस्थाई। परमानेंट ज्वाइंट कौन से हो सकते हैं, तो जैसे दो पार्ट को आप क्या करो, वेल्डिंग के द्वारा जोड़ दो, वेल्डिंग जानते होंगे आपको, दो पार्ट्स को जोड़ना है, हमने क्या किया वेल्डिंग वहाँ पे कर दी, तो कैसे ज्वाइंट हो गए, परमानेंट। मतलब परमानेंट ज्वाइंट वे ज्वाइंट होते हैं जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते, अगर एक बार वह जुड़ गए तो वह अलग नहीं होंगे। हाँ, अलग कब होंगे, अगर हमें उस पार्ट को फिर से या उस ज्वाइंट को या उस पार्ट को तोड़ना पड़े तभी वह अलग होंगे, वैसे नॉर्मल अलग नहीं हो सकते, तो परमानेंट ज्वाइंट कहलाते हैं। तो जैसे आपने वेल्डिंग के द्वारा कर दिया। दूसरा तरीका है रिविट, रिविट जानते होंगे आप, रिविट इस टाइप से आपका होता है, ऐसे इसका एक शैंक होता है और ऊपर क्या बना होता है, हेड बना होता है, इसके पार्ट्स के नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, और नीचे थोड़ा सा इस टाइप से टेपर टाइप में होता है, तो ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। कई बार एग्जामों में ये भी आता है, आपको रिवीट के फिगर दे देगा, पूछेगा इस पार्ट्स का क्या नाम है, ठीक है, या फिर कौन से पार्ट्स को हेड कहते हैं। बीच वाले हिस्से को शैंक बोला जाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, ठीक है। तो जो रिवीट है हमारी, इसको क्या करते हैं, अगर दो पार्ट्स को हमें ज्वाइन करना है तो दोनों पार्ट्स मान लो, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा इसके नीचे हमने रख दिया, दो पार्ट हो गए और इनके बीच में क्या है हमारा, हम यहाँ पे होल बना देंगे जिसमें हम इस रिवीट को लगाएंगे। तो इस रिवीट को जब डालेंगे ऊपर से तो यह ऐसे यहाँ आ जाएगा और इसके बाहर थोड़ा निकल जाएगा, जो नीचे वाला तेल हिस्सा है कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से टेपर में ये बाहर आ जाएगा हमारा, और ऊपर क्या है, राउंड जैसा है तो इसके साथ ऐसे चिपक जाएगा। इस रिविट को हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद क्या करते हैं, जो दूसरा हिस्सा इधर का है इसको अब इसको उल्टा कर देते हैं और बॉल पिन हैमर से चोट करके इस वाले हिस्से को भी क्या कर देते हैं, पीट पीट करके इसे राउंड में बना देते हैं इस टाइप से, फिर हमारा जो होता है ज्वाइंट कंप्लीट हो जाता है। कौन सा ज्वाइंट हो गया, रिविट के द्वारा हमने बना दिया रिविट ज्वाइंट, ठीक है। तो ये जो ज्वाइंट हो गया, अब अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को अलग करना चाहूँ तो ऐसा तो आने की रिविट आपका निकल जाएगा, आप अलग कर लोगे, अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस रिविट को काटना पड़ेगा। अगर हमें ज्वाइंट को अलग करने के लिए उसे काटना या तोड़ना पड़ जाए तो हमारा क्या कहलाता है, परमानेंट ज्वाइंट कहलाता है। इसका मतलब जो रिविट भी है वो हमारी कैसे ज्वाइंट बना रही है, परमानेंट ज्वाइंट बना रही है। ऐसे वेल्डिंग भी हमारा परमानेंट ज्वाइंट बनाता है। टेम्प्रोरी में क्या होगा, जैसे किसी पार्ट्स को हम नट बोल्ट के द्वारा जोड़ दें, नट बोल्ट से अगर दो पार्ट्स को जोड़ा गया है तो जब जरूरत पड़ेगी तो हम नट को ढीला करेंगे और दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो हम दोनों को एक साथ रखेंगे और नट बोल्ट से टाइट कर देंगे। मतलब अपने आवश्यकता अनुसार जब चाहे दोनों पार्ट्स को आसानी से अलग कर सकते हैं और आसानी से फिर दोबारा ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ऐसे ज्वाइंट को टेम्प्रोरी ज्वाइंट बोला जाता है, कि जब चाहो आसानी से अस्थाई जोड़, ठीक है, जब चाहा हमने उसे आसानी से अलग कर लिया और जब चाहा तब एक साथ कर दिया।
तो उसी में आता है आपका स्क्रू, जो आपका स्क्रू है वह भी क्या है आपका जो बोल्ट है, नट बोल्ट है आपका, उसी के समान आपका स्क्रू भी है। स्क्रू भी क्या है आपका एक तरह से टेम्प्रोरी ज्वाइंट है, क्योंकि उसके द्वारा भी हम किन्हीं दो पार्टों को आराम से जोड़ सकते हैं और जब जरूरत पड़े तो स्क्रू को ढीला करके अलग कर लेते हैं फिर जोड़ देते हैं। जैसे आपने अपने घरों में भी देखा होगा जो आपके बिजली के बोर्ड वगैरह होते हैं उसका कवर क्या होता है, स्क्रू द्वारा बंद होता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है अंदर कोई तार चेंज करना हो, ठीक है, या शॉर्ट कर गया हो आपको जो उसका स्विच वगैरह बदलना हो, तो हम क्या करते हैं चारों स्क्रू जो है उस सॉकेट का खोलते हैं और वो अलग हो जाता है, फिर हम अपना काम करके फिर उसे दोबारा टाइट कर देते हैं। तो हमारा जो स्क्रू भी हो गया वो एक तरह से किसके अंतर्गत आ गया हमारा टेम्प्रोरी ज्वाइंट के, इसका मतलब जो स्क्रू है वह क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ अस्थायी जोड़ बनाने के लिए, ठीक है, अस्थायी मतलब टेम्प्रोरी ज्वाइंट बनाने के लिए हम बोल्ट के स्थान पर, नट बोल्ट के स्थान पर स्क्रू का यूज भी करते हैं। अब इसके हमारे फायदे क्या हैं, देखिए दो चीज़ें हो गया नट बोल्ट और स्क्रू। तो कभी कभी ये भी चीज़ पूछा जाता है कि जो आपका बोल्ट है और स्क्रू है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बोल्ट के सैंक पर, सैंक क्या होता है आपको पता होगा, जैसे ये हमारे सामने क्या है बोल्ट है, बोल्ट का ये क्या बना होगा इधर हेड बना होगा, या हेड स्क्वायर हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इधर जो हिस्सा होगा इस पर क्या कटी होगी हमारी थ्रेड कटी होगी। तो इसी जिस पे थ्रेड कटा होता है इसी हिस्से को क्या बोलते हैं, सैंक बोलते हैं, और जो ऊपर वाला हिस्सा इसे हेड बोलते हैं, ठीक है। तो बोल्ट और स्क्रू में फर्क ये होता है कि बोल्ट के सैंक पर, पूरे सैंक पर हमारा क्या कटा होता है, थ्रेड कटा होता है, सॉरी स्क्रू पे होता हो, उल्टा हमने बोल दिया, बोल्ट जो होता है बोल्ट पे थ्रेड कम कटी होती है स्क्रू की अपेक्षा, मतलब आप कह सकते हो स्क्रू के सैंक पर ज़्यादा थ्रेड कटी होती है और बोल्ट के सैंक पर कम थ्रेड कटी होती है। दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हो कि जो स्क्रू होता है हमारा, स्क्रू के पूरे सैंक पर हमारी थ्रेड कटी होती है, संपूर्ण सैंक पर, ठीक है। अगर किसी भी स्क्रू के संपूर्ण सैंक पर थ्रेड कटी होती है तो हमारा स्क्रू है, और अगर उस सैंक पर कम थ्रेड कटी हुई है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बोल्ट बोलेंगे। तो ये हमारा चीज़ हो गया क्या, स्क्रू और बोल्ट, तो इन दोनों में क्या फ़र्क था आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज़ है कि जो हमारा स्क्रू होता है वो किस चीज़ का होता है, किस मटेरियल का बना होता है, ये भी ज़्यादातर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो जो हमारा स्क्रू होता है वह बना होता है माइल्ड स्टील। जब भी ऑप्शन में आपको पूछेगा कि स्क्रू आपका किस चीज़ का बना हुआ है तो आप क्या बताएंगे, स्क्रू हमारा बना होता है माइल्ड स्टील का, माइल्ड स्टील, ठीक है। स्क्रू किस मटेरियल का बना होता है, तो स्क्रू बना होता है माइल्ड स्टील का। अगर माइल्ड स्टील ऑप्शन में नहीं है तब हम किसको प्रीफर करेंगे, कार्बन स्टील, सॉरी कार्बन में सी हो गया, कार्बन स्टील, उसके आगे कार्बन स्टील की जगह फिर हम ब्रास को प्रीफर करते हैं। ब्रास मतलब पीतल, ब्रास को क्या बोला जाता है, पीतल बोला जाता है। बाकी आपके कॉपर भी है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, कार्बन स्टील, ये सब जो आपके क्या है, ये सब भी आपके स्क्रू के मटेरियल है कि आपका स्क्रू किस मटेरियल का बना हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके ज़्यादातर तो एग्जाम में आते हैं कि जो आपका स्क्रू से था, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया आपका कि स्क्रू कौन सा ज्वाइंट बना रहा है, तो स्क्रू टेम्प्रोरी ज्वाइंट बना रहा है। दूसरा, स्क्रू हमारा कौन से मटेरियल का बना होता है, तो जो हमारा स्क्रू है वो माइल्ड स्टील का बना हो सकता है, कार्बन स्टील का बना हो सकता है, ब्रास का बना हो सकता है, कॉपर का बना हो सकता है, या एल्युमिनियम का बना हो सकता है। अगर आप पहला हम प्रीफर किसको करेंगे, माइल्ड स्टील को, ज़्यादातर आपको ऑप्शन में यही मिल जाएगा। अगर आपके एग्जाम में आता तो माइल्ड स्टील दिखाई देता, माइल्ड स्टील को टिक कर लेंगे, चाहे आपका स्क्रू हो चाहे आपका रिवीट हो, रिवीट भी हमारा माइल्ड स्टील का ही बना होता है। या फिर कभी कभी जब माइल्ड स्टील नहीं होता तो दूसरे नंबर पे हमें अक्सर ब्रास मिल जाता है, क्या मिल जाता है, ब्रास मिल जाता है। जब माइल्ड स्टील आता है तो ब्रास को सही कर देते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और कह सकते हैं कि जो हमारा स्क्रू है वो फेरस और नॉन फेरस दोनों मेटल का बना होता है। कौन कौन से मेटल का, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, ठीक है। कैसे, फेरस मतलब क्या, लौह पदार्थ, फेरस मेटल मतलब क्या हो गया, लौह पदार्थ हो गया, जिसमें हमारा मेन अंश कह लीजिए लोहा हो, जिस मेटल में हमारा मेन अंश मुख्य अंश लोहा होता है उसे फेरस मेटल कहते हैं, जिसे लौ धातु भी बोला जाता है हिंदी में, क्या बोलते हैं, लौ धातु। नॉन फेरस की बात करें, अलौ धातु बोलते हैं इसे, अलौ धातु,
मतलब जिसमें मुख्य अंश हमारा लोहाना हो या कह लीजिए लोहे की मात्रा नगण्य के बराबर हो या बहुत ही नाक की मात्रा के बराबर हो तो उसे नॉन फेरस मेटल बोलते हैं, अलव धातु बोलते हैं। ठीक है, फेरस मेटल में आपका क्या आ जाएगा, तो फेरस मेटल मतलब जिसमें मेन लोहा होता है तो माइल्ड स्टील हो गया। ठीक है, और आप जानते होंगे कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, रॉट आयरन, ठीक है, पिग आयरन, ये सब जो हमारे हैं ये क्या है, फेरस मेटल है। ठीक है, माइल्ड स्टील हो गया आपका, कास्ट आयरन मतलब ढलवा लोहा, रॉट आयरन मतलब पिटवा लोहा, पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा। ठीक है, तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आ गए, फेरस मेटल के। नॉन फेरस में आ जाएं तो नॉन फेरस मेटल में हमारा क्या क्या आ जाएगा, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, ब्रास है, आपका गन मेटल हो गया। तो ये सब चीजें जो है हमारे किस में आएंगी, नॉन फेरस में आएंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने बताया आपको जो हमारी स्क्रू होती है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, कार्बन स्टील का बना होता है, ब्रास का बना होता है, कॉपर का बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है। तो माइल्ड स्टील किसके अंतर्गत आएगा, माइल्ड स्टील फेरस मेटल के अंतर्गत आएगा। जो ब्रास है हमारे या एल्यूमिनियम है या कॉपर है ये किसके अंतर्गत आएगा, नॉन फेरस मेटल के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा स्क्रू है वो फेरस मेटल का भी बना होता है और नॉन फेरस मेटल का भी। तो क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछता है कि स्क्रू किस मटेरियल का बना होता है, तो वो फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल दोनों का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हमारा मटेरियल हो गया किस मटेरियल का बना होता, आ गया टाइप्स ऑफ स्क्रू, कि जो हमारे स्क्रू है वो कितने टाइप्स के हैं। तो आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा इस वाइट बोर्ड पे 8 टाइप के हैं आपके। पहला है हेड स्क्रू, मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, हिंदी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हेड स्क्रू है। दूसरा आपका सेट स्क्रू होगा, तीसरा आपका ग्रब स्क्रू होगा, ठीक है, चौथा आपका थंब स्क्रू होता है, आगे बढ़ेंगे, पांचवा आपका है सेल्फ टैपिंग, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा है, सेल्फ टैपिंग स्क्रू। ठीक है, जो छठवां है आपका वो हैमर ड्राइव है, हैमर ड्राइव स्क्रू। सातवां आपका कॉलर स्क्रू है, कॉलर स्क्रू, और जो लास्ट है आपका वो शोल्डर स्क्रू। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे डिटेल में कि कौन सा स्क्रू कैसा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस चैप्टर में मेन आपका यही था कि जो स्क्रू है वो कैसा जॉइंट बनाता है, या फिर स्क्रू और बोल्ट में क्या फ़र्क होता है, तीसरा चीज़ ये था कि स्क्रू आपके कौन से मटेरियल का बना होता है। मेन आपके यहीं इसी से क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। उसके आगे जो ये हमारे टाइप्स हैं यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि आपको कोई फिगर दे देगा एग्जाम में और पूछता है कि यह जो आपका है कोई फिगर दे के ये कौन सा स्क्रू है। तो इसलिए हमें अब इनमें मेन फोकस क्या करना होगा कि जितने भी स्क्रू के टाइप हैं उनके फिगर को पहचानना पड़ेगा कि यह हमारा कौन सा वाला स्क्रू है। जैसे कि आप फिगर देखते ही पहचान जाओगे कि हाँ ये स्क्रू है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और जनरली बात करें तो जो स्क्रू हमारा होता है वो दो ही टाइप का होता है, यहाँ पे तो मैंने ढेर सारा बता दिया, अगर जनरली देखा जाए तो दो होता है, हेड स्क्रू और मशीन स्क्रू। कितने होते हैं, दो होते हैं, हेड स्क्रू और मशीन स्क्रू। हेड स्क्रू और मशीन स्क्रू में क्या फर्क है, तो जो मशीन स्क्रू होता है हमारा वो हेड स्क्रू की अपेक्षा छोटा होता है। हेड स्क्रू को हम कैप स्क्रू भी बोलते हैं, हेड स्क्रू को हम कैप स्क्रू भी बोलते हैं। और जो मशीन स्क्रू है दूसरा, ऐसे जनरली बात करें तो दो ही टाइप के हमारे, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं नॉर्मली, हेड स्क्रू और मशीन स्क्रू। तो जो मशीन स्क्रू है वो हेड स्क्रू से हमारा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि मशीन स्क्रू में नट यूज नहीं होता, हेड स्क्रू में जो होगा हम उसके साथ नट भी यूज करेंगे। जैसे स्क्रू हो गया उसके साथ नट रहेगा तभी तो किन दो पार्टों को जोड़ेगा, लेकिन मशीन स्क्रू वह स्क्रू होता है जिसमें हम नट नहीं यूज करते, सिर्फ स्क्रू से ही पार्ट्स को पकड़ लेते हैं या टाइट कर देते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ वाइट बोर्ड भी लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी वाइट बोर्ड वगैरह या फिर कहीं पेच वगैरह देखेंगे आप, जहाँ पे हैंगर आपने घरों में देखा होगा, हैंगर होता है इस टाइप से, दोनों साइड दो होल होते हैं और इसमें आपका टांगने के लिए ये बना होता है इस टाइप से, कपड़े वगैरह टांगने के लिए हैंगर होता है। तो हम क्या करते हैं, हैंगर को दीवार में जब लगाते हैं तो क्या उसमें नट यूज करते हैं, नट यूज नहीं किया जाता है, क्या करते हैं डायरेक्ट दीवार में हल्का सा होल करते हैं और उसमें एक इतना बड़ा वाइट कलर का
ठीक है, बीट टाइप का बीट बोलते हैं कि बीट हमने डाल दिया, जिसे रावल प्लग बोला जाता है। रावल प्लग को उस होल में डाल के फिर स्क्रू को डायरेक्ट टाइट कर देते हैं, हम इसमें कोई बोल्ट यूज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा स्क्रू यूज किया गया वो कौन सा स्क्रू है, मशीन स्क्रू है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हेड स्क्रू मशीन स्क्रू में आप कैसे पहचान करोगे, तो ऐसा स्क्रू जिसको हम यूज करने के लिए या पार्ट्स को पकड़ने के लिए उसके साथ बोल्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, सॉरी, नट यूज नहीं करेंगे। नट और बोल्ट में क्या डिफरेंस होता है, कई बार ज़्यादा लोग यहीं पे कंफ्यूज रह जाते हैं, नट बोल्ट नहीं पहचान पाते कि किसको नट कहना है और किसको बोल्ट कहना है। ये नट हो गया आपका और ये बोल्ट हो गया, तो किसको आप नट बोलोगे और किसको आप बोल्ट बोलोगे। जैसे एक हिस्सा ये हो गया हमारा जिसपे हेड बना हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या कटा होगा, हमारा थ्रेड कटा होगा। और दूसरा क्या होता है, इसके साथ गोल हिस्सा होता है जिसके अंदर हमारा क्या, इसके अंदर थ्रेड कटा होता है। तो अब ये होता है कि किसको किसको नट बोले और किसको बोल्ट बोले। तो जो बड़ा वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं, और जो ये छोटा वाला जो गोल सा हिस्सा होता है इसे क्या बोला जाता है, इसे नट बोला जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका, इसे याद करने का तरीका है कि कैसे आप भूले नहीं कि कौन सा बोल्ट है कौन सा नट है, क्योंकि कभी कभी दिमाग में आता है यार ये वाला नट है ये वाला बोल्ट है, अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। तो इसके याद करने का तरीका है कि देख रहे होंगे आप ये बोल्ट, बोल्ट कितने अक्षर का है, चार अक्षर का है, नट कितने अक्षर का है, तीन अक्षर का है। नट मतलब आपका तीन अक्षर का छोटा है और बोल्ट आपका चार अक्षर का है बड़ा है। तो और फिगर में भी देख रहे होंगे आप बोल्ट हमारा क्या है, बड़ा है, जबकि नट हमारा क्या है, छोटा है। इसका मतलब जो नाम छोटा है नट वह छोटे वाले पार्ट का रहेगा, जो नाम बड़ा है बोल्ट जैसे चार अक्षर का बड़ा है तो बड़े वाले पार्ट का नाम रहेगा। तो इससे आप आसानी से याद रख पाओगे कि क्या हमारा नट है क्या बोल्ट है, कभी कंफ्यूज नहीं होगा किसको नट कहना है किसको बोल्ट। बड़ा वाला अक्षर बोल्ट बड़ा अक्षर है तो बड़ा वाले पार्ट का नाम, नट छोटा अक्षर है तो छोटे वाले पार्ट का नाम। इससे आप नट बोल्ट को आसानी से याद रख पाओगे। तो इसका मतलब जो मशीन स्क्रू है उसमें हमारा क्या यूज नहीं होता है, नट यूज नहीं होता है, ठीक है। जिस जिस स्क्रू में नट यूज नहीं होगा उसे हम मशीन स्क्रू कहेंगे। अब आते हैं इसके टाइप के बारे में, जैसे कि आपके सामने है पहला हेड स्क्रू। तो हम पहला देखेंगे कि हेड स्क्रू क्या चीज़ है। हेड स्क्रू को भी हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, हैवी ड्यूटी के आधार पे और लाइट ड्यूटी के आधार पे। नीचे आएगा आपका जो आपका हेड स्क्रू है, पहला मैंने बताया था आपको हेड स्क्रू, तो पहले वाट के बारे में जानेंगे। तो जो हेड स्क्रू से दो टाइप से डिवाइड किया जा सकता है, हैवी ड्यूटी असेंबली के आधार पे, मतलब जहाँ पे हमें ज़्यादा मजबूत पकड़ बनानी हो, हैवी ड्यूटी का मतलब क्या, जहाँ पे ज़्यादा मजबूत पकड़ बनानी हो, और लाइट ड्यूटी मतलब हल्की पकड़ के लिए। तो इन दो आधारों पे हेड स्क्रू को भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हेड स्क्रू में क्या होता है, ये भी जैसे बोल्ट में हेड होते हैं हमारे, जैसे बोल्ट में हमारा हेड स्क्रू है आपका पहला, तो जैसे हमारे बोल्ट में क्या होता है, हेड होता है, वैसे इस स्क्रू में भी क्या होगा, हेड होगा। अभी मैं आपको आगे फिगर दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे बोल्ट में हेड होता है वैसे हमारे इस स्क्रू में भी हेड होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, यह दो प्रकार से डिवाइड किया जाएगा, हैवी ड्यूटी असेंबली और लाइट ड्यूटी। तो ये दोनों क्या है, तो हैवी ड्यूटी मतलब जहाँ भारी कार्य हो, भारी असेंबली हो, मजबूत पकड़ बनानी हो, उसके आधार पे। और दूसरा डिवाइड किया जाता है इसे, लाइट ड्यूटी असेंबली मतलब जहाँ पे हल्का कार्य हो, लाइट ड्यूटी हो। तो हैवी ड्यूटी के आधार पे हमारे जो ये होते हैं चार टाइप के होंगे आपके। पहला जैसा कि यहाँ पे हेक्सागोनल हेड स्क्रू, ठीक है। दूसरा होता है आपका हेक्सागोनल हेड स्क्रू हो गया, हेक्सागोनल सॉकेट हेड, ठीक है, हेक्सागोनल सॉकेट हेड। फिर हो जाएगा आपका काउंटर संक हेड और स्क्वायर हेड। ये चार टाइप के हैं हैवी ड्यूटी के लिए। हम पहले टाइप से शुरू करेंगे। तो हैवी ड्यूटी के लिए आपके कितने टाइप के हो गए, चार टाइप के आपके बोल्ट यूज किए जाएंगे, जिसमें पहला होता है हेक्सागोनल, दूसरा होता है हेक्सागोनल सॉकेट हेड। हेक्सागोनल बोल्ट और हेक्सागोनल सॉकेट हेड में क्या फर्क, मैं अभी आपको बताऊंगा। तीसरा होगा काउंटर संक हेड और चौथा होगा आपका जो हमारा स्क्वायर हेड होता है। चारों के नाम मैं लिख देता हूं, हेक्सागोनल, दूसरा पढ़ेंगे इसके बाद हम हेक्सागोनल सॉकेट, सॉकेट लग जाएगा, ठीक है। तीसरा जो होगा हमारा काउंटर संक हेड होगा, काउंटर संक हेड, और जो चौथा होगा हमारा वह स्क्वायर हेड होगा, स्क्वायर हेड। तो इन चार टाइप के आते हैं हमारे किसके अंतर्गत, हैवी ड्यूटी के अंतर्गत। तो पहले हैवी ड्यूटी वाला देखते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे लाइट ड्यूटी वाला, मतलब हल्की असेंबली के लिए। ये किसके अंतर्गत है, तो ये सारा हमारा हेड स्क्रू के अंतर्गत है, ठीक है।
किसके अंतर्गत? हेड स्क्रू। इसके बाद हम सेट स्क्रू की बात करेंगे। तो हेड स्क्रू भी हमारा दो टाइप से डिवाइड होगा। तो पहला टाइप क्या है? हैवी ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाले, तो हेक्सागोनल होता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है, जैसे ऊपर का हिस्सा, इसे हेक्सागोनल नट क्यूब बोलते हैं। तो इसे आप देख के पहचान जाओगे कि जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें छह फलक होते हैं। आपको सामने दिख रहा होगा 1, 2, 3, ऐसे ही 4, 5, 6, 3 इससे पीछे हैं। तो इसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। इसीलिए इसे हेक्सागोनल बोल्ट बोला जाता है, या हेड स्क्रू है तो हेक्सागोनल हेड स्क्रू हो गया। अब ये मान लीजिए आपके दो पार्ट हैं, एक पार्ट नीचे वाला है जैसे फिगर में बना हुआ है, ठीक है, और एक हिस्सा, एक पार्ट ऊपर। इन दोनों पार्टों को हमने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर रख दिया है, एक दूसरे के ऊपर रख दिया इस टाइप से। अब इसमें हमने क्या ये किया, इस हेक्सागोनल हेड वाला जो स्क्रू है, इसकी मदद से इन दोनों पार्ट को हमने जोड़ दिया। इसमें हमने बोल्ट यूज नहीं किया है, हेक्सागोनल हेड की मदद से ही हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। या दूसरा चीज़ ये कह सकते हैं कि इनमें जो हेड होता है वो बाहर रहता है। मतलब हेक्सागोनल हेड स्क्रू हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर उसका हेड बाहर रहे और हमें उससे कोई दिक्कत ना हो। किसी मशीन पार्ट में अगर मान लीजिए आप इस हेड वाले स्क्रू को यूज कर रहे हैं और उसका पार्ट क्या है, मशीन के ऊपर है, और उससे हमें कोई दिक्कत ना हो, कहीं उससे परेशानी ना हो, तो ऐसी जगहों पे हम इसका यूज कर सकते हैं। और यह हैवी काम के लिए, मतलब भारी अधिक मजबूत पकड़ के लिए या भारी कार्यों के लिए यूज किया जाता है। दूसरा आपका क्या था, हेक्सागोनल साकेट हेड कैप स्क्रू। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपका हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू, और ये क्या था, हेक्सागोनल हेड स्क्रू। दोनों में डिफरेंस क्या है, हेक्सागोनल हेड है, यहाँ हेक्सागोनल सॉकेट हेड हो गया है सिर्फ, ठीक है। तो सॉकेट हेड मतलब यह क्या होगा, सॉकेट वजह से अंदर चला जाता है। इसमें क्या था, हमारा जो इसका हेड था वो बाहर दिखाई दे रहा था मशीन के पार्ट्स के बाहर, और जहाँ हमें ऐसी ज़रूरत हो, क्योंकि यह क्या हो, मशीन के पार्ट्स के बाहर अगर रहेगा तो हमें दिक्कत कर सकता है। तो यह देख रहे हैं, एक मशीन का पार्ट या नीचे वाला हिस्सा है और इसके ऊपर एक पार्ट है, ठीक है, ये हो गया। और जो इसके अंदर इस टाइप से गैप बना होता है जिसमें हमारा यह स्क्रू क्या होता है, स्क्रू का जो हेड है वह अंदर चला जाता है। दो पार्ट होंगे आपके मशीन के, मान लीजिए एक मशीन का ये पार्ट है, इसके ऊपर एक और पार्ट रखा गया है, और इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे गैप होता है कि जो हमारा नीचे होल बराबर रहेगा और ऊपर थोड़ा चौड़ाई में रहेगा इस टाइप से। अब इसमें जब हम इसको डालेंगे तो क्या होगा, इसका हेड इसके अंदर आ जाएगा, मतलब मशीन के पार्ट के ऊपर नहीं रहेगा, इसका हेड मशीन के अंदर छुप जाता है, ठीक है, मतलब सरफेस के ऊपर ये टकराएगा नहीं। जबकि इसमें क्या है, यह सरफेस के ऊपर इसका हेड टकराएगा, और यह क्या होता है, यह सरफेस के अंदर इसका हेड चला जा रहा है, उसके अंदर छुप जा रहा है। तो ऐसी जगहों पे हम क्या यूज करते हैं, जहाँ पे हमें उसके हेड को छुपाना हो, जहाँ पे स्क्रू के हेड को छुपाना हो ताकि वो पार्ट के ऊपर दिखाई ना दे, तो वहाँ पे हम हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू यूज करते हैं। और इसमें फ़र्क क्या है, देख रहे होंगे इसमें हेक्सागोनल बाहर को बना हुआ था, मतलब इसको हम नॉर्मल रिंच से टाइट कर सकते हैं आसानी से। लेकिन इसमें क्या है, इन दोनों में डिफरेंस आप देख रहे होंगे, यहाँ पे है आपका बाहर को बना हुआ और इसमें बाहर राउंड सरफेस है, अंदर इसके अंदर जो है हेक्सागोनल बना हुआ है, अंदर बना हुआ है, ठीक है, मतलब इसके अंदर गहराई में बना हुआ है। अब इसके, इसको खोलने के लिए नॉर्मल रिंच से नहीं खुलेगा, इसके लिए एलन की आती है जो इस टाइप से होता है, आपका एक की आती है इस टाइप से होता है जो हेक्सागोनल होती है, ठीक है। यह भी कैसी होती है, आपकी आगे से आकृति इसकी हेक्सागोनल होती है, ऐसे होगी, फिर आपका ऐसे होगा और ऐसे, आगे की आकृति आपकी हेक्सागोनल होगी। तो इसकी मदद की, इसके मदद से हम इसको खोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एलन की, क्या बोलते हैं, एलन की। इसीलिए हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू को एलन स्क्रू भी बोला जाता है। इस स्क्रू को और क्या बोलते हैं, एलन स्क्रू, ठीक है। तो इस स्क्रू को एलन स्क्रू के नाम से भी हम जानते हैं। बाकी समझ में आया होगा, क्योंकि हेक्सागोनल जो हेड वाला था वह ऊपर था और यह इसके बॉडी के अंदर छुप जाता है। नेक्स्ट जो है आपका काउंटरसंक हेड स्क्रू है। काउंटरसंक हेड स्क्रू में क्या होता है कि इसका जो हेड होता है वह टेपर में बना होता है। काउंटरसंक हेड स्क्रू का जो हेड होता है वो कैसे बना होता है, टेपर में बना होता है। आपको फिगर देख के ही पहचान लेना है, मैं नहीं, आपको ध्यान रखना सारे स्क्रू आपको एक बार देखने के बाद कि उनका यूज कहाँ पे हो रहा है और उन्हें हम पहचानेंगे कैसे। तो जैसे आपके सामने दिख रहा है एक क्या काउंटरसंक है, इसका हेड कैसे है, टेपर में बना हुआ, इसका भी हेड टेपर में बना हुआ है। एक टॉप भी दिखाया गया है, फ्रंट भी दिखाया गया है, इसका टॉप भी है और ये फ्रंट भी है। तो इस आधार पर इसका नाम अगर देखा जाए तो इनका नाम क्या होगा, जैसे काउंटरसंक है ऊपर क्या बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, वैसे ही
काउंटर संक वाला है फ्लैट हेड स्क्रू है और एक क्रॉस सेक्शन वाला है, काउंटर संक क्रॉस सेक्शन और ये नॉर्मल है आपका, ठीक है। वैसे ही आगे आएंगे तो इसमें क्या उबार लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये चारों आपका काउंटर संक हेड यहाँ पे है। पहले मैं इन चारों को नाम लिख देता हूँ। जो पहला फिगर आपको दिख रहा है इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा स्लॉटेड स्लॉटेड काउंटर संक हेड स्क्रू, ठीक है, स्क्रू आप जोड़ लीजिएगा स्क्रू। दूसरे वाले फिगर को बोलेंगे इसमें क्या था, इसमें एक स्लॉट कटा हुआ था, इस स्क्रू में क्या कटा हुआ था, एक स्लॉट कटा हुआ था और एक टेपर में है, मतलब काउंटर संक है। तो हमने बता दिया कि स्लॉटेड काउंटर संक हेड स्क्रू। दूसरे में क्या है, ये आपका क्रॉस में है, इसमें एक स्लॉट था और इसमें क्या दो दो स्लॉट है एक तरह से, तो इसे बोला जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शनल काउंटर संक हेड स्क्रू, ठीक है। तीसरे की बात आए तो देख रहे हैं पहला वाला और तीसरे वाले का टॉप भी सेम है, मतलब इसमें भी स्लॉट कटा हुआ है, इसमें भी स्लॉट कटा हुआ है, लेकिन फर्क क्या, सामने देखेंगे तो ये क्या है, ये थोड़ा उभार लिए हुए हैं, ठीक है, उभरा हुआ है गोलाई में और दबिट टाइप में, और ये बिल्कुल फ्लैट था। तो इसको आप कह सकते हो जो तीसरा हो जाएगा आपका स्लॉटेड ही है, स्लॉटेड लेकिन रेज्ड बोला जाएगा, रेज्ड मतलब उभरा हुआ होता ना, राइज राइज मतलब उगना होता है, तो रेज्ड मतलब थोड़ा उभरा हुआ, तो ये उभरा हुआ है तो इसको बोल जाएगा स्लॉटेड रेज्ड काउंटर संक हेड, ठीक है। तो चौथे नंबर पे आ जाए तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल वाला है, क्रॉस में है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला होगा, तो क्रॉस सेक्शनल ये भी क्या है उभरा हुआ है, ये नॉर्मल था फ्लैट था बिल्कुल, और ये क्या है उभरा हुआ। तो आप फिगर देख के पहचानोगे कौन सा फ्लैट वाला है और कौन सा उभरा हुआ, अगर उभरा हुआ होगा तो इसका नाम हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल मतलब सेक्शन वाला रेज्ड लिख देंगे, ठीक है, रेज्ड मतलब उभरा हुआ काउंटर संक हेड। जो सामने आपको दिख रहा होगा मैंने चारों के नाम लिखा हुआ है, पहला है आपका स्लॉटेड जिसमें नॉर्मल स्लॉट कटा हुआ जो कि आपका नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से खुल जाएगा। दूसरा वाला जो है हमारा ये क्रॉस सेक्शनल वाला है, तो इसमें देख रहे हैं प्लस टाइप का बना हुआ है, एक ऐसे ऐसे इस टाइप से इसमें बना हुआ है, ठीक है। तो इसको खोलने के लिए हमें ऐसा स्क्रू ड्राइवर चाहिए जिसमें चार भाग हो, इसे प्लस टाइप का, तो प्लस स्क्रू ड्राइवर भी कुछ लोग कहते हैं, या उसका नाम होता है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। क्या नाम होता है, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, जिसके आगे का हिस्सा कुछ इस टाइप से होता है, स्क्रू ड्राइवर का जो होता है चार हिस्से में होता है, प्लस टाइप में बना होता है स्क्रू ड्राइवर के आगे, तो वह क्या होगा उसकी मदद से हम इसको आसानी से खोल पाएंगे, ये वाली चीज़ है। उसके बाद इसमें क्या है, ये भी सेम नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर खुल जाएगा, बस फर्क क्या है कि ये फ्लैट था और ये उभरा हुआ, तो इसलिए इसे रेज्ड बोल दिया जाएगा, इसमें क्या लगा देंगे रेज्ड लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया काउंटर संक हो गया। ये चारों फिगर को आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको फिगर देता है और उसके बारे में पूछता है कि ये कौन सा आपका स्क्रू है। इसमें जो लास्ट है चौथा है हमारा, ये हैवी की अभी बात कर रहे थे हम, ये सारे किसके अंतर्गत है, हेड स्क्रू के अंतर्गत हैं और हैवी वाले के, ठीक है, हैवी और लाइट ड्यूटी के आधार पे था तो हैवी के आधार पे है। लास्ट क्या आपका वर्गा का हेड स्क्रू, ठीक है। तो इस वर्गा का हेड वाला हम ऐसे स्थानों पर यूज करते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादातर अक्सर उसे उस असेंबली या उस पार्ट को खोलने और बंद करने की आवश्यकता रहती है, ठीक है। इसको हम यूज कहाँ करेंगे, इस फिगर को देखिए, ये आपका है क्या स्क्वायर हेड, इसका ऊपर का जैसे हेक्सागोनल में क्या था छः पार्ट थे, स्क्वायर हेड में ऊपरी हिस्सा कैसा होगा चार पार्ट होगा, हेक्सागोनल कैसा होता है बोल्ट आपका इस टाइप से छः पार्ट होते हैं, उसमें छः फलक होते हैं, तो ये हेक्सागोनल है और ये क्या है आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ पे हेड स्क्रू है आपका। इस स्क्रू को हम ऐसी जगह पर यूज करते हैं जहाँ पे हमें हमेशा उसे खोलने और उस पार्ट को खोलने और असेंबल करने की आवश्यकता रहती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे फिगर बनाया गया, किस चीज़ का फिगर है, लेथ मशीन के टूल पोस्ट का है। तो उसमें जो होता है हम टूल को बार बार निकालते हैं, दूसरा टूल लगाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, तो जो टूल पोस्ट में जो हमारा बोल्ट यूज किया जाता है वह कौन सा होता है, वह स्क्वायर हेड स्क्रू होता है। आप अपने लेथ मशीन में जहाँ पे कॉलेज में होंगे वहाँ लेथ मशीन में टूल पोस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे जो हमारा बोल्ट होता है वो कौन सा होता है स्क्वायर हेड होता है, और उसके साथ इस टाइप की की होती है जिसकी मदद से हम इस स्क्वायर हेड स्क्रू को आसानी से खोल पाते हैं और फिर टाइट कर पाते हैं। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा ये हो गया आपका हैवी ड्यूटी के आधार पे। अब देखेंगे हम लाइट ड्यूटी के आधार पे हमारा कितने टाइप का स्क्रू होता है, ठीक है। तो जो लाइट ड्यूटी के आधार पे हमारा स्क्रू है वह भी हमारा चार टाइप का होगा, पैन हेड, चीज हेड,
सब अलग अलग हैं हमारे। पहले स्टार्ट करते हैं क्या लाइट ड्यूटी के आधार पे, ठीक है। पहला हमारा है पैन हेड स्क्रू। आपका मेन इसमें यही काम है, आपको ये पहचानना है कि कौन सा किस आकृति का दिखता है। क्वेश्चन में इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको फिगर दिया होगा और क्वेश्चन में यही पूछता है कि चार फिगर दे देगा, पूछेगा इसमें से पैन हेड स्क्रू कौन सा है या चीज हेड स्क्रू कौन सा है। तो इसमें आपका मेन काम है, इसलिए मैं सारे फिगर पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप उसको ध्यान रखो कि किस स्क्रू को, कौन सा स्क्रू किस टाइप का दिखता है। जैसा कि आपके सामने पहला होगा पैन हेड स्क्रू, ठीक है। तो पैन हेड स्क्रू देख रहे होंगे आप, इस टाइप से दिखाई देता है। नॉर्मल है इसका हेड, ऊपर क्या थोड़ा सा कर्व बना हुआ है, ध्यान देना है दोनों में ही फर्क है, चीज हेड स्क्रू और पैन हेड स्क्रू में, दोनों आपको आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। यह भी कैप स्क्रू है एक तरह का और वह भी कैप स्क्रू है। कैप स्क्रू मतलब जिसमें हेड हो, ठीक है। तो इसमें आपका हेड है, इसमें भी हेड है, तो इसके एक फर्क क्या, चीज हेड स्क्रू और कैप हेड स्क्रू दोनों में ऊपर क्या होता है, स्लॉट कटा होता है। जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे स्लॉट कटा हुआ है। स्लॉट क्यों कटा होता है, ताकि हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे आसानी से टाइट या लूज कर सकें, ठीक है। तो चीज हेड स्क्रू यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे पैन हेड स्क्रू, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, बस दोनों में स्लॉट कटा हुआ है, जिसकी ये स्लॉट इसलिए है ताकि हम आसानी से स्क्रू ड्राइवर से टाइट या लूज कर सकें। इसमें फर्क क्या है, तो आप देख रहे होंगे ये आपका चीज हेड स्क्रू, इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। जबकि हमारा जो पैन हेड स्क्रू है, पैन हेड स्क्रू में ऊपर का हिस्सा ऐसे बना हुआ है, लेकिन फ्लैट की जगह क्या थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कर्व है। तो जब कर्व टाइप का रहेगा तो उसे हम पैन हेड स्क्रू बोलेंगे, और अगर बिल्कुल आपका स्क्वायर टाइप में है तो उसे चीज हेड स्क्रू बोला जाएगा। कुछ जगहों पे पैन हेड इस टाइप से रिवेट वगैरह का अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो पैन हेड ऐसे बनाता है रिवेट वाले चैप्टर में, तो कन्फ्यूज नहीं होना इस टाइप से भी पैन हेड है, या फिर अगर कर्व भी दे दिया जाए तो भी वो हमारा क्या कहलाएगा, पैन हेड स्क्रू कहलाएगा। और जबकि आपका चीज हेड स्क्रू में क्या होगा, वो बिल्कुल स्क्वायर रहेगा, इसमें कोई भी कर्व नहीं होगा। देख रहे होंगे चीज हेड स्क्रू और उसके आगे क्या है, रेज्ड चीज हेड स्क्रू। मैंने रेज का मतलब बताया था अभी, रेज का मतलब उभरना या उगना, एकदम रेज राइज मतलब बढ़ना, ठीक है। तो चीज हेड स्क्रू है तो नॉर्मल हो गया, रेज्ड चीज हेड स्क्रू तो इसमें क्या हो जाएगा, बस यहीं पे आपका जो ये फिगर है कहाँ चला गया, इधर आ गया आपका, ठीक है। चीज हेड स्क्रू में क्या होगा, यहाँ पे उभरा हुआ हो जाएगा, देख रहे होंगे वही चीज़ यहाँ पे है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है चीज हेड स्क्रू है तो बिल्कुल नॉर्मल फ्लैट है, और रेज्ड में क्या है, रेज्ड मतलब हल्का सा उभरा हुआ, रेज्ड मतलब उबार लेना, ठीक है। तो नाम से पता चल जा रहा है चीज हेड स्क्रू तो नॉर्मल, जब रेज्ड चीज हेड स्क्रू कहेगा तो इसमें क्या होगा, गोलाई में हो जाएगा, थोड़ा उभरा हुआ हो जाएगा, या बिल्कुल फ्लैट है और थोड़ा उभरा हुआ। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, आगे आपका राउंड हेड स्क्रू, देख रहे होंगे बिल्कुल आसान है। अब इसका हेड कैसा है, राउंड जैसा है तो राउंड हेड स्क्रू बोल दिया जाएगा, जबकि वो फ्लैट था तो चीज हेड स्क्रू। जब हमारा ऊपर का हिस्सा कैसा था, बिल्कुल फ्लैट था, आपको ध्यान देना स्क्रू में, इसी से आप पहचान पाओगे, जब बिल्कुल फ्लैट है तो चीज हेड स्क्रू, और जब थोड़ा सा साइड में सिर्फ कोने पे कर्व है तो पैन हेड स्क्रू, और जब उसमें उभार लिए हो गया तो हमने रेज्ड चीज हेड स्क्रू बोल दिया, और जब पूरा गोलाई में हो तो उसे राउंड हेड स्क्रू बोला जाएगा, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। इसका जो हेड है वो कैसा है, पूरा गोलाई में, जैसे हमारा नीचे का हिस्सा हो गया और इसका हेड जो है वो अर्धवृत्ताकार या गोलाई टाइप में है, तो भाई गोलाई में आ गया, और ऊपर है क्या है, स्लॉट कटा हुआ, जिससे कि हम इसे स्क्रू ड्राइवर से पेचकस से आसानी से लूज या टाइट कर सकें। तो ये हमारा जो हो जाएगा या क्या कहलाएगा, राउंड हेड स्क्रू, ठीक है। तो ये चारों हम आपके सामने दिख रहे होंगे, चारों फिगर आपको ध्यान रखना है। पैन हेड क्या है, थोड़ा सा कोने पे करो लिए हुए है, उसके बाद आएंगे आप चीज हेड बिल्कुल फ्लैट है तो चीज हेड स्क्रू, अगर इसमें गोलाई लिए हुए आ जाए तो रेज्ड चीज हेड स्क्रू, और उसके बाद लास्ट है आपका राउंड हेड स्क्रू, मतलब यह पूरा राउंड में बना हुआ है, कोई भी हिस्सा इसका फ्लैट नहीं है, पूरा गोलाई में। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो पहला हो गया है, अभी हम तक क्या पढ़ रहे थे, पहला टॉपिक पढ़ रहे थे आपका जो था हेड स्क्रू, दूसरा आएगा आपका क्या, सेट स्क्रू। पहला हम पढ़ रहे थे अभी तक हेड स्क्रू, अब दूसरा देखेंगे हम कि सेट स्क्रू क्या होता है, ठीक है। तो जो सेट स्क्रू है वह कुछ अलग नहीं है, इसमें फर्क ये होता है कि जो हमारा अभी तक हमने जो पढ़ा, जितने भी मैंने आपको स्क्रू बताए, उन सब में हेड बना हुआ था, उन सब में क्या बना हुआ था, एक हेड बना हुआ था, जबकि सेट स्क्रू में कोई भी हेड नहीं होता है। मतलब आप कह सकते हो अभी तक जो आपने पढ़ा हेड स्क्रू में, उसमें जो स्क्रू होता है वो पार्ट्स को किससे पकड़ता है, मान लो दो पार्ट है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट इसके नीचे, इन दोनों को जब हमने असेंबल किया तो यहाँ पे हमने बोल्ट लगाया, तो यहाँ पे क्या था,
कोई भी हेड वाला होगा, इस टाइप हेड होगा तो ये होगा। तो हेड स्क्रू में इन दोनों पार्ट को पकड़ने के लिए कौन यूज में आया, हेड यूज में आया, मतलब जो हमारे स्क्रू का हेड है वह दोनों को पार्ट को मजबूती से पकड़ने में मदद कर रहा है। इन दोनों पार्ट को मजबूती से पकड़ने में कौन मदद किया, हेड मदद किया। तो इसका मतलब ये सब कौन थे, हेड स्क्रू थे। सेट स्क्रू में क्या होता है, सेट स्क्रू में हमारा हेड नहीं पकड़ता है, सेट स्क्रू में जो स्क्रू होता है उसका टेल पकड़ने के काम में आता है। दोनों पार्ट्स को कौन पकड़ता है, जो स्क्रू है उसका टेल पकड़ता है। टेल मतलब जैसे आपका स्क्रू है, ठीक है, इस स्क्रू में हेड होता नहीं, सेट स्क्रू में हेड होता है, यानी जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। जो ये नीचे वाला हमारा हिस्सा है यही हमारा क्या कहा जाएगा, स्क्रू का टेल कहा जाएगा। और इधर हेड होता है और बीच वाला सैंक होता है। नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। तो जो हमारा सेट स्क्रू होता है इसमें हेड नहीं होता, और जो मशीन के पार्ट्स होते हैं उन्हें किसकी मदद से पकड़ा जा सकता है, तो टेल की मदद से। कई क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि जो किस स्क्रू की मदद से हम पार्ट्स को टेल से पकड़ते हैं, किसकी मदद से, सेट स्क्रू से। या फिर पूछ ले सेट स्क्रू किसकी मदद से पार्ट्स को पकड़ता है, तो सेट स्क्रू हेड की मदद से नहीं पकड़ता क्योंकि सेट स्क्रू में हेड नहीं होता, या टेल की मदद से पकड़ता है, ठीक है। अब इसमें भी मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, हेक्सागोनल सॉकेट सेट स्क्रू। कौन सा है, हेक्सागोनल सॉकेट सेट स्क्रू, वो कैसा दिखता है, तो फिगर अभी आपके सामने है, ये है आपका, देख रहे हैं हेक्सा, ये क्या है, सेट स्क्रू है, ये जो हमारा है क्या है, सेट स्क्रू है। इसी को बोलते हैं हेक्सागोनल सॉकेट सेट स्क्रू। जैसे ये हमारा पार्ट है, ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, अब इसमें हेड है ही नहीं, इसमें सिर्फ ये स्लॉट बना हुआ है जिसमें हम स्क्रू ड्राइवर या किसी मदद से इसको टाइट कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या नहीं है, हेड नहीं है। जब आप इसको यूज करेंगे, इसमें देख रहे होंगे इस टाइप से बना हुआ, तो एलन की मदद से आप इसे आसानी से इसमें टाइट कर सकते हैं। इसमें क्या हेड है नहीं, तो यह क्या होगा, यह पूरा मशीन के पार्ट्स के अंदर चला जाता है, और जो पकड़ने का मेन काम करेगा वो कौन पकड़ेगा, इसका जो नीचे का हिस्सा टेल है, यह जो टेल है इसका नीचे वाला हिस्सा टेल कहलाएगा। और यह अलग अलग आकृति का होता है, जैसे यह क्या है, यह टेपर में है, थोड़ा कोनिकल टाइप में है। यह क्या होता है, आपका नीचे वाला हिस्सा जो है वो ऐसे स्क्वायर टाइप में भी आता है, टेपर में भी आता है, कोनिकल में भी आता है। तो इसके जो नीचे का टेल होता है उसकी आकृति अलग अलग हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए कोई शाफ्ट है, तो शाफ्ट में जब हम पुली लगाया जाता है, किसी शाफ्ट पर जब पुली लगाया जाता है, तो पुली शाफ्ट पर स्लिप न करे उसके लिए ऐसी जगहों पे हम इसी स्क्रू का यूज करते हैं, ठीक है। कि पुली में क्या करते हैं, इस स्क्रू का यूज करते हैं, सेट स्क्रू का यूज करते हैं, जिसे बोला जाता है हेक्सागोनल सॉकेट स्क्रू, क्योंकि इसके अंदर जो है होल बना हुआ है, इसमें हम एलन की को लगाएंगे और इसकी मदद से आसानी से इसमें टाइट कर देंगे। तो यह क्या हो गया, पूरा जो है पार्ट यह मशीन के अंदर चला जाएगा, तो इसमें हेड है ही नहीं, तो इसका मतलब जो इसका नीचे टेल है यह नीचे से मशीन को खींच के अपने साइड टाइट रखता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो सेट स्क्रू होता है वो मशीन के पार्ट को अपने टेल की मदद से पकड़ता है, ठीक है। ठीक है, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, ग्रब स्क्रू। ग्रब स्क्रू को हम सेफ्टी स्क्रू भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेफ्टी स्क्रू। जो ग्रब स्क्रू या सेफ्टी स्क्रू है यह भी आपका सेट स्क्रू की तरह ही होता है। जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले क्या सेट स्क्रू बताया था, सेट स्क्रू क्या था, हेड नहीं था। इसमें भी देख रहे हैं यहाँ पे ग्रब स्क्रू लगाया गया है, यह भी इस टाइप से है, आगे कोनिकल बना हुआ है, इसमें भी क्या है, थ्रेड कटा हुआ, इसमें भी हमारा हेड नहीं है। तो आप कैसे, तो जो ग्रब स्क्रू है एक तरह से आपका एक सेट स्क्रू का ही पार्ट है, इसमें भी आपका हेड नहीं होता है। इसका बस फर्क है कि जो हमारा सेट स्क्रू था वह अधिक, इसकी अपेक्षा अधिक पकड़ मजबूत बनाता है, अधिक मजबूत पकड़ बनाता है, जबकि यह हल्के कार्यों के लिए होता है। जैसे यह दो पार्ट है, इन दोनों को हमें पकड़ना है, यहाँ सेट कटी हुई है, इसके बीच में हमने क्या किया, ग्रब स्क्रू को टाइट कर दिया, तो ये दोनों पार्ट में टाइट हो जाएगा, नहीं आपस में चिपका कर रखेगा। यहाँ पर जैसे दिखाया गया है ऊपर क्या है, बियरिंग बूस है, ठीक है, ऊपर वाला ऐसा बियरिंग बूस है और नीचे एक और पार्ट है, इन दोनों के बीच में क्या है, आधा थ्रेड इसमें कटा हुआ, आधा थ्रेड इसमें कटा हुआ है। जब इसको इस बीच में टाइट कर देंगे तो इन दोनों को आपस में ये जोड़ के रखेगा। तो ये सेफ्टी स्क्रू या ग्रब स्क्रू बोला जाता है, या बॉयलर वगैरह में भी आपका यूज किया जाता है सेफ्टी के हिसाब से। तो ये जो हल्की पकड़, मैंने बताया ना कि ये जो करता है क्या, इसकी पकड़ हल्की होती है किसकी अपेक्षा, सेट स्क्रू की अपेक्षा, जबकि हैं दोनों एक ही टाइप से, इसमें भी हेड नहीं होता, सेट स्क्रू में भी हेड नहीं होता, बस फर्क यह है कि हल्की पकड़ रखता है सेट स्क्रू की अपेक्षा। तो आज के वीडियो में जो मैंने आपको तीन टाइप का बताया ग्रब स्क्रू, ठीक है, इसके पहले जो था आपका हेड स्क्रू बताया था और सेट स्क्रू बताया था, मैंने तीन आपको करवाया, हेड स्क्रू, सेट स्क्रू और ग्रब स्क्रू। अब बाकी जो आपके पांच बच गए उसे मैं, सॉरी पांच आपके और बच गए स्क्रू, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप इतना तैयार रखिए, इसको ध्यान में रखिए,
थोड़ा थोड़ा तैयार करेंगे, डिले भी काफ़ी समय हम धीरे धीरे सारे चैप्टर कवर कर देंगे। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको थोड़ा समझ में आया नहीं आया, तो मुझे पता चले कि और मुझे थोड़ा सुधार और अच्छे से बताओ या काम चल जा रहा है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।